आपने एक फेमस कहावत तो जरूर सुनी होगी, सोने में सुहागा। ऐसा मत बोलिएगा कि आपने नहीं सुना है। अगर हमें इस स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना है तो ऐसी स्ट्रेटजी का निर्माण करना होगा जिसमें पैसे के लिए आप काम नहीं करते हैं, पैसा आपके लिए काम करता है, यानी आपका निवेश जो है वो आपके फेवर में काम करता है। तो मार्केट में कैसी रणनीति बनानी हो जिससे ये कहावत एक सत्य का रूप लेने की क्षमता रखती। इन्वेस्टमेंट करने की कई स्ट्रेटजी होती है, जैसे हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, ग्रोथ स्टॉक का चयन करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या डिविडेंड स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसमें अगर मोमेंटम को शामिल कर लिया जाए तो सोने में सुहागा हो सकता है, या फिर इन चारों स्ट्रेटजी को कंबाइन कर दिया जाए, वैल्यू, ग्रोथ, डिविडेंड एंड मोमेंटम, तो धमाका हो सकता है दोस्तों। तो आज हमने एक ऐसे ही स्टॉक का चयन किया है जिसमें ये सारी चीजें शामिल हैं और उसमें क्षमता है कि वैसा वो कर सकता है। लास्ट ईयर मई के महीने में, करीब 15 महीने हो गए, हम एक वीडियो लेके आए थे। उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, और उस समय वो स्टॉक्स की प्राइस क्या थी और आज की डेट में क्या प्राइस है और कितना उस स्टॉक ने डिविडेंड दिया है, तो आपको ये समझ में आएगा कि डिविडेंड के पावर को समझना और स्टॉक के मोमेंटम को समझने में आपको मदद मिलेगी। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसे एकेडमिक इंटरेस्ट से अवश्य देखिए और उसके बाद उसमें कमेंट जरूर कीजिए। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए, जिस स्टॉक का चयन किया है उसके बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज जो स्टॉक हमने चयन किया है उसके अगर फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके देखें तो वो करंट मार्केट प्राइस पर 48.4% अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है, अगर उसके इंट्रेंसिक वैल्यू से उसे कंपेयर कर। यदि मैं आपसे बोलूं ये स्टॉक जिसको आज पिक किया गया है, वो स्टॉक में अर्निंग का जो ग्रोथ का फोरकास्ट है, एस्टिमेट है, वो अर्निंग 41.8% से ग्रो होने की संभावना है। यदि मैं आपसे बोलूं कि इस स्टॉक का फ्यूचर का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 47.2% है, और यदि मैं आपसे बोलूं कि इस स्टॉक का करंट डिविडेंड यील्ड जो है वो 3.1% है, जो भविष्य में एस्टिमेटेड है कि ये 8.1% हो सकता है। अब ये सारी तो पॉजिटिव बात हो गई इस स्टॉक के बारे में, लेकिन रिस्क के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है जब हम निवेश करते हैं। तो इस स्टॉक का डेट इक्विटी रेशियो जो है 173% है, जो काफी अधिक है। पॉजिटिव क्या है कि इसका जो डेट है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कवर्ड है और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो भी अर्निंग से कवर्ड है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है डेट का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पिछले 5 सालों में डेट जो है 85.4% से डेट इक्विटी रेशियो हो गया है 173%। तो बाय एंड लार्ज हमने देखा अधिकतर पैरामीटर्स में ये स्टॉक अच्छा नजर आ रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन सा स्टॉक है? वो स्टॉक है दोस्तों वेदांता लिमिटेड का शेयर। तो चलिए दोस्तों, अब मोमेंटम को चेक करते हैं, प्राइस चार्ट में चलते हैं और इसकी मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में क्या पोटेंशियल प्राइस टारगेट हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। वेदांता के शेयर का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में, तो
जब मार्केट क्लोज हुआ 26 सितंबर 2024 को, जिसकी क्लोजिंग प्राइस है 501.7, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन को समझना। तो ये देखिए, ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, ये इसका रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एरिया था, और ये देखिए इसका ये सपोर्ट था। तो ये 2008 से, अक्टूबर 2008 से ये स्टॉक इस रेंज में ट्रेड हो रहा था, और इस रेंज का फाइनली ब्रेकआउट हुआ कब, अक्टूबर 2021 में। तो बड़े लॉन्ग टर्म के कंसोलिडेशन में था, और ये एक रेंज ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा था, सपोर्ट में बाई करो और रेजिस्टेंस में सेल करो। तो काफी बड़ा रेंज था, ये रेंज था करीब 23 रुपए से लेकर करीब 137-138 रुपीज का रेंज था। तो इट वॉज ए वेरी बिग रेंज। अब यहां देखिए, ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसका ये अपेक्स है, जिसका ब्रेकआउट, डिसाइसिव ब्रेकआउट यहां पर हुआ अक्टूबर 2021 में। तो ये रेंज का ब्रेकआउट होने में 12-13 साल लगते थे, काफी लंबा एक मेजर ब्रेकआउट था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने थ्रोबैक किया, और फिर यहां पर डिमांड जोन में सपोर्ट लेके फिर प्राइस का स्ट्रक्चर अब हायर हाइज एंड हायर लोस का। क्या इस प्रोसेस में ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न बना रहा है? यस, यहाँ पे देखिए एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद रिसेंटली देखें एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट। तो अगर हम इस रेंज के हिसाब से इसके टारगेट को प्रोजेक्ट करें, ये देखिए, चलिए मैं रेंज के हिसाब से टारगेट को प्रोजेक्ट करता हूं। यहां क्या समझ में आ रहा है, इसने पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। पहला टारगेट यहां पर 61.8% एक्सपेंशन का अचीव कर दिया है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में देखें तो अगला पॉसिबल टारगेट क्या है, 962 का टारगेट यहां नजर आ रहा है। तो अगर पोटेंशियल रिटर्न की बात करें करंट मार्केट प्राइस से, तो परसेंटेज के टर्म्स में अभी इसमें क्वेश्चन करीब 80% के आसपास का रिटर्न का हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि टारगेट जो होते हैं मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलिए वीकली प्राइस चार्ट में चलते हैं। यहाँ वीकली प्राइस चार्ट में हम देखते हैं कई वीक तक प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस था, जिसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रायर इंपल्स को देखें तो बुलिश है, तो ये बुलिश फ्लैग का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है। तो यहां पर अगर मैं बुलिश फ्लैग आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूं, तो ये देखिए मैंने बुलिश फ्लैग को ड्रॉ किया, और इस बुलिश फ्लैग के आधार पर हम अगर टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो देखिए इसका टारगेट जो है वो शॉर्ट टर्म में पहला टारगेट आता है 560, और उसके बाद 699 या 700 का। टारगेट अलग अलग आ सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग टाइम फ्रेम में टॉप डाउन अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं डेली चार्ट में, तो डेली चार्ट में और ऑब्वियस हो जाता है कितना लंबा कंसोलिडेशन बैंड था। ये देखिए प्राइस कई दिनों से कंसोलिडेट कर रही थी, और प्रायर एक मेजर इंपल्स के बाद ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ। और बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट कब हुआ, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये ब्रेकआउट हुआ 24 सितंबर, ठीक है। लेकिन उसके पहले कई ट्रेडिंग सिग्नल मिल चुके थे इसमें, इस स्टॉक में। यहाँ देखिए ट्रेडिंग सिग्नल मिला था इस जगह पे। जो लोग डीकेएस डायमंड क्लब के चैनल मेंबर्स हैं, तो अर्जुन ट्रेडिंग के हिसाब से वो क्लियर कट एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही। तो यहाँ देखिए लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक बाहर जा रहा है। तो अगर हम इस चार्ट पैटर्न के अनुसार इस बुलिश फ्लैग का अगर हम एक टारगेट प्रोजेक्ट करें, तो देखिए टारगेट क्या निकल रहा है। पहला टारगेट 61.8% का, 567 का, और उसके बाद 713 का ये टारगेट निकल रहा है। टारगेट हमेशा नोशनल होते हैं, और मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के। अब यहां पर एक हम ट्रेंड लाइन खींच के आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, तो शॉर्ट टर्म में क्या कर रहा है, ये हायर लोज का फॉर्मेशन कर, ये देखिए हायर लोज का, ये लो प्रायर लो से हायर है और ये लो पिछले लो से हायर है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में हेल्प कर रही है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो इस ट्रेंड लाइन की मदद ले सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो ब्रॉड फंडामेंटल्स और टेक्निकल के आधार पर स्टॉक तो अच्छा नजर आ रहा है। इसके अलावा लास्ट रिपोर्टिंग क्वार्टर में
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एफपीआई में और म्यूचुअल फंड में इसमें बाइंग आई है और स्टेक में बढ़ोतरी देखी गई है। ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको स्वयं रिसर्च करके देखना होगा। जब आप स्वयं कन्विंस होंगे तब जाके इस स्टॉक के बारे में विचार करें। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अति शीघ्र। We'll be right back.